एक्स्ट्रा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हीना। शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों से। जीपीसीबी पिछले डेढ़ साल से चीन समेत देशों में आयातित बुनाई उद्योग की हाई स्पीड मशीनरी जैसे वाटर जेट, रैपियर और एयर जेट को सशर्त मंजूरी दे सकेगा। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से गुहार लगाने के बाद अब जीपीसीबी को ईएमएस के लिए मंजूरी मिल सकेगी, जिसे बुनकर हाई स्पीड लूम्स में लगाया जाएगा। सूरत के कपड़ा दलाल से ठगी, कुछ लोगों ने किडनी बेचने के आवेश में 4 करोड़ रुपए का लालच देकर अलग अलग खर्च के बहाने 15 लाख रुपए ठग लिए। इसका एहसास होने पर दलाल ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। सूरत के कपड़ा बाजार में दक्षिण भारत के एक व्यापारी को अर्धनग्न कराकर घुमाने की चर्चा चल रही है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो सूरत का होने की चर्चा है। हालांकि देर तक इस बारे में पुष्टि नहीं हो सकी थी। उसके एक वृद्ध व्यापारी को अर्धनग्न हालत में घुमाया जा रहा है। सूरत शहर में डाइंग प्रोसेसिंग यूनिटों के शहरी क्षेत्र के बाहर ले जाने के लिए उद्यमियों के सरकार से गुहार लगाई थी। राज्य के उद्योग विभाग द्वारा सूरत समेत शहरी क्षेत्रों में हानिकारक कचरा पैदा करने वाली कितनी इकाइयां चलाई जा रही है, उनका सर्वे कराया गया। आगरा में प्रशासन की लापरवाही के कारण कपड़ा व्यापारी परेशान है। कपड़ा व्यापारियों ने संजय प्लेस स्थित कपड़ा बाजार में वेल्डिंग से लेकर जूते हटवाने की मांग की थी, लेकिन आगरा विकास प्राधिकरण ने अब तक कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कपड़ा बाजार में जीएसटी लागू होने के बाद से ग्रे यान और फिनिश्ड फैब्रिक्स पर टैक्स की अलग अलग टैक्स की दरों से उद्यमी परेशान है। समय समय पर जीएसटी को दरों को लेकर कपड़ा उद्यमी मांग कर रहे हैं। जीएसटी परिषद की आगामी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। नैनीताल के लालकुआ में सोमवार को टनकपुर गए कपड़ा कारोबारी लापता होने की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। उनकी कार पंचर हालत में खटीमा के पास मिलने से परिजन परेशान। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने गुरुवार को उद्यमियों के साथ बैठक में कहा कि पूर्व उत्तर प्रदेश एवं बिहार के 70% प्रवास मजदूर टेक्सटाइल क्षेत्र में कार्यरत हैं। दोनों क्षेत्रों में टेक्सटाइल उद्योग के विकास के लिए बृहद योजना बनाई जाएगी, जिससे इन कामगारों में अपने क्षेत्र में काम मिल सके। भारत की अग्रणी टेक्नोलॉजी लैंड फॉरेक्स प्लेयर माइक्रो फॉरेक्स आई अब गुरुग्राम में एमएसएमई सेक्टर को अपनी सेवाएं प्रदान करने जा रही। कंपनी एमएसएमई को कई महत्वपूर्ण मुद्दों में प्रबंध में मदद मिलेगी। इसमें फॉरेक्स ऋण पर ऊंची ब्याज दरें, फॉरेक्स लेनदेनों में बढ़ती जटिलताएं आदि शामिल है। लेदर में वियतनाम और टेक्सटाइल में बांग्लादेश ने तगड़ी प्रतिस्पर्धा दी है। ग्लोबल मार्केट में निर्यात बढ़ाने के लिए सुविधाओं को और एनओसी सिस्टम को और सरल बनाना होगा। ये बातें जिला प्रशासन, डीजीएफसी, जिला उद्योग केंद्र और उद्यमियों के साथ संयुक्त बैठक में उठी। आज की सुपरफास्ट खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।